पंत परमेष्टि भगवान की परम पूज आचर भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचर गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की इसको बंद करवाएं। बंधु संसार में परम आनंद की अनुभूति वे ही ले पाते हैं जिन्होंने इंद्रिय मन के विषयों को समझ करके उन्हें जानना देखना सीखा है, उनमें जीना नहीं सीखा। जो विषयों में जीना सीख लेते हैं वे अपने सुख का नाश कर लेते हैं, जो विषयों को जानना सीखते हैं वे अपने सुख का नाश नहीं कर पाते। एक एक शब्द समझिए। जैसे जो सुखमय है वो विषयों के अभाव सद्भाव का कारण नहीं है। एक इंद्रिय सुख भोग रहे थे आप तो तत्व के सुख से वंचित थे। अभी आप तुम्हारा इंद्रिय सुख बंद कर दिया गया और जैसे बंद किया जिनवाणी तुमको समझ में आने लगी। अभी अभी कूलर चल रहा था आपके सामने, उसकी आवाज़ इतनी अधिक थी आपको भले ठंडक महसूस हो रही हो पर भीतर ठंडक नहीं लग रही थी। अब तुम उस कूलर को देखो और जानो, उसे चालू मत करो, अब तुमको सुख मिलेगा। और उसके सुख में लीन हो जाते तो बंद करने पर तुम लड़ने खड़े हो जाते। जो तत्व को सुनना चाहता है कूलर बंद करने पर भी वो शांत बैठे हैं, जो तत्व को नहीं सुनना चाहते हैं वे कूलर बंद करने वालों को लड़ने पहुंच जाएंगे। बस यही दृष्टि है। जानना बंद का कारण नहीं है, देखना बंद का कारण नहीं है। वस्तु की रस में जाओगे तो बंद को तुम रोक नहीं पाओगे। उदाहरण, ये बालक रितेश तुम्हारे सामने बैठा है, मित्र खड़े हो जाओ। प्रश्न ये है आपसे मेरा, जितने हम भाई बैठे हैं सबको देख लो, जितनी माताएं बैठी इनको भी देख लो, अब तुम शर्मना नहीं। इनमें से तुम्हारा पिता कितने हैं? एक। ठीक, इनमें से तुम्हारी पत्नियां कितनी हैं? शर्मना नहीं, ये सब पागल लोग हैं, तुम तो बोलो कौन है। ठहर भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बच्चे को बोलने दो। मैंने प्रश्न किया इनमें से तुम्हारे पिता कितने हैं तो आपने कहा एक, ठीक है। लेकिन अगला प्रश्न ये, इसमें ये जितनी माताएं बैठी हैं इनमें से आपकी पत्नी कौन है, कितनी है? हैं? ठीक, अच्छे से बोलो। बहुत अच्छा, ठहरो।
खड़े रहो। यदि आपके पिता को कोई गाली देता है तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई किसी की पत्नी को गाली दे तुमको बुरा लगेगा? क्यों लगेगा? तुम्हारी पत्नी है क्या तो बुरा क्यों लगेगा? अब बोल, यहाँ पर कोई किसी की पत्नी को गाली देता है तुमको बुरा लगेगा? बहुत बढ़िया, नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे पिता को बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि तेरी माँ उनकी पत्नी है। सही है? हाँ, तो महाराष्ट्रीयन मुंडी ला रहा है तो लगेगा। अब सुन बेटा, मैं रितेश भाई को समझा रहा हूँ, वस्तु का होना कष्ट का कारण नहीं है। यहाँ पर बेटा तेरी पत्नियाँ कोई भी नहीं है। क्या किसी की पत्नी नहीं है? बोल, हैं? ठीक, किसी की पत्नियों के होने से तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नियां तो हैं, तुम्हारी पत्नी नहीं है। इसका मतलब समझना चाहिए, वस्तु का होना बंद का कारण नहीं है, वस्तु का होना कष्ट का कारण नहीं है, अपना बनाना कष्ट का कारण है। तुम इनमें से एक को अपनी पत्नी बना लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वो अभी नहीं बेटा, जब बनाओगे ना तो आज की तारीख और सन नोट कर लेना और कहना गुरुजी ने कुछ कहा था कि पत्नी बनाए कि नहीं के बाद क्या होता है। अंदर ही अंदर ना रोलो तो चुनौती है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको रोना पड़ेगा। आपको विश्वास ना हो तो अपने पिता से पूछ के आओ, सच्चा पिता हो तो बता देगा। जाओ बेटा पूछ के आओ, कहाँ है यहाँ? यहाँ नहीं है पिताजी? सभा में नहीं है? अच्छा, माँ है? माँ भी नहीं है तो तुम बच गया। लेकिन घर जाके पूछ ले, कोई बात नहीं है, टेंशन मत ले बेटा। तेरे पिताजी नहीं है, तेरे पिताजी नहीं है, तेरे बगल में एक भाई बैठा है, इससे पूछो प्रेम से। बोले तू सच्चा है, सच्चा परमात्मा है, विशुद्ध सार का चेला है, तो ईमानदार से बोल। सादिक बात, एक दिन भी नहीं रोया क्या? पूछ पूछ, पीछे पीछे। अच्छा वो नहीं बता रहे, कोई बात नहीं है, ये बैठे ने पीले कपड़े पहले, इनसे पूछ लो जल्दी बेटा, समय नहीं है, जल्दी पूछ। मैं तो पूछवा दूंगा, पहुंचो। हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, इन भैया से पूछो। आपसे प्रश्न ये है, जब सीता अपने पिताजी घर में थे, राम अपने पिताजी घर में थे, ठीक ना? यदि सीता जी का सिर दर्द कर रहा था जनक के घर में, तब राम को कष्ट था क्या? नहीं था ना? और जैसे ही राम ने सीता के साथ शादी कर ली, इसके बाद सीता का हरण कर ले गया रावण, अब राम परेशान हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? वे राम थे तब भी परेशान हुए। क्यों हुए? क्योंकि संबंध कर लिया था। जिससे संबंध कर लेते हो तो परेशानी होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता, चुनौती है दुनिया को। अब पूछ क्या, समय कहाँ है बेटा, जल्दी पूछ। ये पूछो, संबंध सुख का कारण कि दुख का कारण है? इतना पूछो। ये पीले कपड़े पहने हैं, क्या बोले बेटा? ये सुख का कारण है, ऐसा बोल रहे हैं? उनको पूछो एक बार, सोच के बोलो, पूछो फिर से पूछो। क्या बोले बेटा? आप हो गया,
कुर्सी पे खड़े हो जाओ, उधर सिर कर लो, इन सब से बोलो बेटा संबंध दुख का कारण है, ये आप लोगों को मालूम है क्या? मरठ बोल बोल, संबंध दुख का कारण है कि आपको मालूम है क्या? बच्चे को उत्तर दो, क्या बोले बेटा? हाँ कहो तो पागलो, जब तुम्हें पता था तो संबंध किया क्यों? बैठ जा बेटा, क्या राग के साथ तुमको पता नहीं था? क्या रितेश तुमको पता नहीं था? ओहो, क्या अनिल कासिलवाल को पता नहीं था? ओहो, अरे पागलो समझो, तुमको पता होने पर भी फंसे बैठे हो, धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को। ओहो, इसलिए समझो। अब बालक देख, इन सब ने बोल दिया है संबंध दुख का कारण है, ठीक है, और इनको पक्के में ये बोले ना बोले, जीवन में हर व्यक्ति की शादी कराने वाले को एक बार सिर पकड़ना पड़ता है। ऐसे कहाँ फंस गया, अभी नहीं, ये सब सिर पकड़ते कहाँ फंस गया। तो हम जैसे लोग मुस्कुराते देखते ना तो इनको चिड़ छूटती बेचारों को। पीयूष जैसे ब्रह्मचारी तो कहते आपके प्रवचन सुनने ही हमारा पागलपन है। बोले क्यों? बोले प्रवचन सुनता हूँ तो ऐसे लगने लगता है हीन भावना आती, हीन भावना। अरे हीन भावना उनको आती जो दीन होते हैं, जो भगवान बनने की इच्छा रखते हैं, वे कहेंगे हीन भावना इतनी आनंद आता। बोले क्यों? अब सुन लो भैया तुम, इन सब ने क्या बोला कि संबंध दुख का कारण है, सुन लिया? अब तुम देख लो बेटा, जिस दिन संबंध कराने जाओगे उस दिन सूत्र को याद कर लेना, और फिर पीयूष तुम घोड़े पे बैठ के जाओगे, बग्गी पे बैठ के जाओगे, उस दिन तुमको सोचना पड़ेगा गुरुजी ने कहा था संबंध दुख का कारण है, और धीरे से बग्गी से उतराना। फिर लोग पूछे कहाँ जा रहे हो? बोले वो मैं याद भूल गया था, गुरुजी ने कहा था कि संबंध दुख का कारण है, अब मैं घर लौट के नहीं जा रहा हूँ, न शादी कराने जा रहा हूँ, अब मैं तो अपने गुरु जी के पास दीक्षा लेने जा रहा हूँ, संबंध दुख का कारण है। बराबर, संबंध दुख का कारण है। ओहो, आज का सूत्र याद करो, अहो ज्ञानियों संबंध दुख का कारण है। बोलो बोलो सब, और जोर से बोलिए, संबंध दुख का कारण है। यहां पर कैलाश पाटनी कहीं बैठा क्या? कैलाश पाटनी दुर्ग, कैलाश भैया देख ज्ञानी, संबंध दुख का कारण है। बोलो, देवी से पूछ के आओ। ओहो, संबंध दुख का कारण है, इसमें कोई शंका नहीं है। वो माइक वाले भैया से पूछ लो आप, तो ये भी यही बोलेगा, संबंध दुख का कारण है। मालूम है इसने 50-50 क्यों बोल दिया? जब रोटी अच्छी घर में बन जाती है तो सुख दिखता है, और जैसी चूल्हे जैसी ज्वाला चेहरे पे आती पत्नी के तो दुख का कारण बन जाती है। लेकिन कैलाश भैया, सुख तो चंद दिन का था, इसके बाद में तो दुख ही दुख है। स्वीकार कर लो जो है, बैठ जाओ। बालको शिरडी हो गया नहीं, सुन रहा ना बेटा, संबंध बोलो जोर से। ओहो हो, आज का प्रवचन सफल हो गया, संबंध। तो बस बेटा, अब चाहे तुम ईमानदारी का संबंध करो तब भी दुख का कारण है, और बेईमानी का संबंध करो तब भी दुख का कारण है। अब विषय को थोड़ा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। बालक श्रीडी, तुम बच्चे नहीं है, 16-17 साल के हो चुके सब। बेटा संबंध दुख का कारण, बोलना जरा, संबंध दुख का कारण है। जब तक मित्र किसी से संबंध की आंखें नहीं जुड़ी तब तक तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होती रहेगी,
और जैसे किसी में आंखों में आंखें जुड़ जाएंगी, संबंध दुख का कारण, पढ़ाई ठप हो जाएगी, संबंध दुख का कारण है। बराबर, कोई रोक नहीं सकता। यदि संयत सागर है ना, संयंत क्या जयंत, ये भी अच्छी सामायिक करते हो, यदि वो कोई भक्त से जुड़ गए, इनकी सामायिक नष्ट हो जाएगी। फिर सोचें कब मौका मैंने बातें कर लूं, संबंध दुख का कारण ही नहीं, मां दुख का कारण है, सामायिक भंग कर दिए। संबंध दुख का कारण है। जितने जीव बदनाम हुए हैं, जितने जीव कष्ट को प्राप्त हुए हैं, जितने जीव अपयश को प्राप्त हुए हैं, जितने जीव नरक गए हैं, सब संबंध के कारण गए। जितने नरक जाएंगे सब संबंध के कारण जाएंगे। जितने नरक गए हैं, जाएंगे जा चुके हैं और जा रहे हैं, सब संबंध के कारण जा रहे हैं। अब भैया माइक वाला तू कह नहीं सकता 50-50, अब नहीं कह पाएगा भाई, क्योंकि संबंध, आइए गहरे में, संबंध मात्र स्त्री पुरुष का ही संबंध नहीं होता है, पैसे का भी संबंध ही है ना। यदि आज आपको यहाँ बैठना पड़ा, एक घंटे से इंतजार ही कर रहे हो, मैं कब से सुन रहा हूँ, आप माइक को चेक कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे, मेरे जैसे साधु बन के आ जाते तो माइक चलाने नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता गुरुजी माइक नहीं चलाएंगे, घर में पत्नी बैठी, बच्चे बैठे हैं, उनका पेट कैसे भरा जाएगा, वो कमरे में शांति से बैठी होगी, तुमको यहाँ आकर के धूप में चल करके काम करना पड़ रहा है। संबंध दुख का कारण, स्वीकार करो मित्र, संबंध दुख का कारण है। भैया कभी व्यापार करने नहीं जाता, नहीं जाते, वो लाल पीली शर्ट, व्यापार करने नहीं जाते, कभी जाते हो, छाव छाव में व्यापार करते हो कि धूप में भी करते हो? ओह, ईमानदार से बोलना, तुम घर में कितने दिन रहते हो, बाहर कितना रहते हो? सुनिए ध्यान से, 15 दिन तुम घर में रहते हो, वो गांव का मैं घर नहीं मानता हूं। घर यानी घर, तुम्हारा कक्ष, उसमें कितने समय रहते हो? देख लो भैया, माइक वाला भैया देख, ये तुम्हारा सेठ क्या बोल रहा है। मतलब कमलेश भाई ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी ने इंदौर में, इस भाई से मैं पूछता हूँ, मित्र उस मकान में कितने रहते हो? हैं? 2 घंटे, अभी 2 दिन रह के आया है। लेकिन सुनो ना, दिन भर व्यापार करता है, शाम को तगागा करता भाई, फिर मित्रों से मिलता है, कहीं घर में चला गया, जिस मकान को बना के रखा है, ईमानदारी से देखा जाए, आदमी उसमें चंद्र घंटे ही रह पाता है। ओहो, संबंध के पीछे तुम धूप में झूमते हो, वो तुम्हारी धर्म पत्नी, सासु की बिटिया कितनी पुण्यात्मा है, तुम जो उससे नौकर काम करते हैं, वो ठंडे में कूलर में एसी में रहती है, वो तुम काम करते हो, दिखार हो, संबंध दुख का कारण है। रितेश भाई स्वीकार कर ले भाई, तो जल्दी बच जाएगा, संबंध दुख का कारण है कि नहीं है? मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, वो मुझे मालूम तुम क्या बोलने वाले, बोले मैं चौका लगा लेता हूं, मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी बाकी तो मालूम, वो गुरु का संबंध नहीं है, वो गुरु की भक्ति से सुख हो, संबंध में तो वहां भी दुख है। तुम सोच लो कि मेरे चौके में विशुद्ध सागर को ही आना चाहिए, वो नहीं पहुंचे दुख हो जाएगा। संबंध दुख का कारण है बालक, समझ भैया समझ। और ये सोच लो, हम तो गुरुओं की सेवा के लिए आए हैं, जो मिलेंगे पड़घान करेंगे तो आनंद आ जाएगा। संबंध तो
स्वीकार कर लो मत फंसो, विश्वास मानो स्वीकार कर लो मत फंसो, संबंध तो दुख का ही कारण है। संबंध दुख का कारण है, महात्मा उत्तर सागरी, संबंध दुख का ही कारण है। कोई भी संबंध हो, ओहो संबंध दुख का कारण है। कौन से संबंध की व्याख्या कर रहा हूं मैं? चाहे श्रद्धा श्रद्धे संबंध हो, सुनिए ध्यान से, चाहे मित्र आपके घर गृहस्थी का संबंध हो, श्रद्धा श्रद्धे संबंध भी शाश्वत जी सुखी नहीं हो पाते हो। जो परसापे संबंध जितने भी अरविंद भाई, ओहो तू समाज का मंत्री क्या बना, मंत्री न होता तो कम से कम घर के ही दुख से दुखी होता संबंध से। अब मंत्री बन गया न मालूम, पूरे छत्तीसगढ़ में कोई घटना घटती ना तो बेसाली के मंत्री को बुलाओ, इतना होनरवाल मंत्री बन गया कि हर व्यक्ति राजू इसी को बुलाते। घर में रोने तो रोने ही है, जितना कर उसकी पत्नी नहीं दे पाती, बेचारी उपवास करती रहती है और ये बेचारा इधर उधर भटकता रहता है। बहन के घर में कुछ हो जाए तो भैया चलो, बहनों के घर में हो तो चलो, भतीजे घर में हो तो चलो, और भांजे घर में हो तो चलो। ओहो क्या पागलपन छाए तुम्हारे मस्तिष्क में, सबके लिए रोने के लिए आए क्या? और देखो भाई समझ, मैं जहाँ जाता हूँ रोते रोते लोग ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमने संबंध ही स्थापित नहीं किया, हमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें मुस्कुराहट देंगे, रोना नहीं देंगे। न हम तुम्हारे कारण रोएंगे न तुम्हारे कारण रोगे, क्योंकि हम ये जाते हैं, देखो जानो जाने तो। बोल भाई संबंध, अब बैठ जाओ। नहीं तो डर लगे तो लगने दो, जो है सो है। वो ये सोच रहा है कि घर में जाके अभी पहुंचूंगा तो अभी शाम का भोजन होना है, और हम वो बोलेगी यानी अब कर लो जाओ महाराज से खाना खा के आओ। बोल कह के आते ना सभा में संबंध दुख का कारण है, तब भी कहना संबंध दुख का कारण है। बोले क्यों? बोले मैं महाराज बन गया होता तो तू आहार भी देती और ये टाने भी नहीं मारती, संबंध दुख का कारण है। आज मालूम सुब्रत सागर जी यहाँ पर ज्ञान तीर्थ में आहार चल रहा था, इतने श्रावक देने वाले वे आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे स्वयं के खाने के लड़ रहे हों। ओ स्वाद कोई ले रहा था, आहार कोई ले रहा था, वस्तु तो किसी की थी, देने वाले टूट पड़ रहे थे। बिना संबंध के श्रद्धा जुड़ जाती है और संबंध में राग द्वेष होता है। पूछो इन सबसे, यहाँ पर मुनिराज नहीं होते ऐसे दोपहरी में आप यहाँ आते क्या? अभी नहीं आते ना। संबंध रहित के प्रति पूजा का भाव आता है और संबंध वालों से लड़ने का भाव आता है। बैठ जा ज्ञानी, जो है सो है। तो बालक अहमदनगर बेटा, महावीर बड़िया त्यापोता, संबंध दुख का कारण है। बालक गंगवाल खड़ा हो जा, संबंध तुम तीन आए थे शाम को मेरे पास, ए भाई चश्मा सुब्रत सिंह, तीनों बच्चों की बातें सुनो बहुत आनंद आ जाएगा आपको। शाम को भैया वृत्ति में ऐसे हैं पटा रहे थे, बोले चलो चलोगे चलोगे सिटी, चलो अंदर चलो सिटी में। बेटा देख इधर, संबंध ओहो संबंध देख बालक, जब तक तुम कुमारे हो और कुमारियों के चक्कर में नहीं फंसे जब तक, तब तक चेहरे मुस्कुराते रहेंगे, और जैसे ही फंस गए तो ज्ञानी भी पागल हो जाते हैं। संबंध बस आप तो एक काम करना बालक, देख अपने अपने घरों में लोग कोई फोटो टांगते, सीनरी टांगते, कोई कुछ करते, आप तो बड़ा सुंदर है लिखना। ओहो ज्ञानी संबंध दुख का कारण है। मालूम जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके सच्चे माता पिता हैं, ये सूत्र उनको लिख करके अच्छा जड़वा करके उनके कक्ष में ट्रक मान चाहिए। चाहे इंदौर पढ़ते हो, चाहे कोटा पढ़ते हो, चाहे उज्जैन, दुनिया में कहीं भी पढ़ रहे हो, बम्बई अमेरिका कहीं पढ़ रहे हो तुम्हारे बच्चे, उन सबको एक बोर्ड बना करके, इतना तो तुम कर सकते हो ना, सच्चे पिता हो ना अनिल काश्यप,
तूने काले कोट पहन करके बकाले जितना पैसा कमाया है, इतने अच्छे बढ़िया बोर्ड बनवाना, और जो जो विद्यार्थी तुम्हारे औरंगाबाद में पढ़ने बाहर से आए हों और बाहर जा रहे हों, उनको भेंट में दे देना, कहना बेटा इसको अपने कमरे में टांग के रखना तब तक जब तक तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, और दिन में पुस्तक उठाने के पहले उस बोर्ड को देख लेना एक बार, संबंध ठीक है बेटा। सुब्रसाद लिख के देने तीनों को, अहो ज्ञानी संबंध, इसलिए जगत के संबंध से दूर रहना, कम से कम जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो तब तक संबंध से दूर रहोगे तो बेटा ज्ञानी बन जाओगे, और जैसे संबंध में डूबे, स्कूल की पढ़ाई बंद, वो कहीं साधु बन के संबंध में डूब गए तो केवल ज्ञान से सुन संबंध। एक बात तीनों मिलके बोल दो, हाथ जोड़ लो, बोलो अहो ज्ञानी, हाँ आगे बोलो अहो ज्ञानी, किसको सुना रहे हो संबंध दुख का कारण है, बैठ जा बेटा। संबंध दुख का कारण है, ओ हो संबंध दुख का कारण है। मैंने तो श्री राम से लेकर के आज तक के लोगों को देख रहा हूं, धनुष न तोड़ा होता, राम ने सीता की वरमाला न डलवाई होती तो जंगल जंगल में सीता के खोजने के लिए राम क्यों जाते। संबंध दुख का कारण, हनुमान क्यों लंका जलाने जाते, संबंध। लक्ष्मण को शक्ति क्यों लगती, संबंध दुख का कारण है। ओहो हो विशल्या के ये क्यों बुलाया जाता, संबंध दुख का कारण है। ओ मित्र राम रावण युद्ध क्यों होता, संबंध दुख का कारण है। ओ महाभारत क्यों हुआ, संबंध दुख का कारण है। रामायण क्यों हुई, संबंध दुख का कारण है। और तुम्हारे घर में भी बेटा कभी देखता नहीं कितना तुझे दुखी होना पड़ता है, जब माता पिता लड़ पड़े तो बच्चों को कितना बुरा लगता हो, तब कहना हे तो दूर से खड़ा हो जाना, जब मम्मी लड़े और पिताजी लड़े तो दूर खड़ा हो जाना, कहना ओ ज्ञानी संबंध दुख का कारण है। ठीक है बेटा, थोड़ा दूर होके बोलना, नहीं तो दोनों छोड़कर तेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। फिर कहना ओह देखो बच्चे सब समझदार होते हैं, भाई हमारी बातों में मुस्कुराए इसका मतलब समझिए। ओह गीत पिता सेठी संबंध दुख का कारण। अब जाओ, अब क्या है जो है, आज का यही सूत्र है, दुख मुक्ति चाहिए तो संबंध छोड़िए, और दुख में दुखी होना चाहे तो संबंध को छोड़िए। आ समझ में नहीं आए तो जीवन की अंतिम श्वास में समझ लेना, तब भी समझ में नहीं आए तो अगले पर्याय में समझ लेना, अनंत भवों में समझ लेना, लेकिन एक दिन राकेश साय समझना ही पड़ेगा संबंध। माइक वाला भैया, मैंने तो दो पति पत्नियों लड़ते देखा, ईमानदारी बात बता, लड़ते देखा। मैं स्कूल से आया, विद्यार्थी था, वे लड़ रहे थे मस्त। मैंने कही बाप रे ये लोग ऐसे लड़ते हैं अड़ोस पड़ोसी। हमने वही नौ बार नमो कर्मंत पढ़ा, संबंध दुख का कारण नमो रियंताड़म, संबंध दुख का नमो सिद्धाड़म। बेटा देख सुन, और नौ बार नमो कर्मंत पढ़ा, बोले आज ही मैं शादी का त्याग करता हूँ, संबंध दुख का कारण है। मैं मंदिर गया, कोई महाराज नहीं मिले हुए, मैं भगवान के पास गया और भगवान के चरणों में कहा प्रभु आज से मैं अखंड व्रत का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा, संबंध दुख का कारण है। मैंने देख लिया इन बेचारों लड़ते। अब आप लोग देख लेना, सुखी रहना चाहते हो तो हम जैसा कर लेना, और दुखी रहना चाहते तो ये लाल शर्ट वाले पीली शर्ट वाले जैसे कर लेना, संबंध दुख का कारण है। जाओ घर जाओगे, घर जाओगे, घर जाओगे, फिर संबंध दुख का कारण है।
त्रिकालिक दुख का कारण संबंध है। परापरुष दुखम महात्मा मय तथा सुखम, महात्मा सारस्वत जी, परापरुष दुखम पर परी है और दुख का ही कारण है। हे मित्र, सुखी होना चाहते हो, निज में निज का संबंध ही सुखी है, वो नहीं मानो तो हमारे कैलाश पाटनी से मिल लेना। बेचारे ने पूरी पर्याय सुहा कर ली, पूरी पर्याय सुहा कर ली, पूरी पर्याय सुहा कर ली। पीयूष, संबंध दुख का कारण है। छोटे पीयूष बड़े पीयूष दोनों को समझा रहा हूं, बिचारों के न कोई आगे न पीछे, तब भी समझे संबंध तो दुख का ही कारण है। कल फिर आओगे? पर्याय रहित तो बालकों, तीनों से कह रहा हूं, जब तक पुनः ना मिलो तब तक याद रखना, सुब्रत सागर है ये बालक, चश्मा लगा है ना, इसके पिता ने 2007 में मेरा बिहार कराया था, पता तुमको? दादा ने तो कराया था, पर आहार देने तेरे पिताजी आते थे बेटा। संबंध दुख का ही कारण है, और आज उस दान के ही प्रभाव से तुम यहाँ तक खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि दादा पिता के संस्कार काम में आ गए। इसलिए बेटा, जैसे उन्होंने काम किया था, आपने आज आहार दिया कि नहीं महाराजों को? दिया बेटा। जब तक महाराज नहीं बन सको तब तक कम से कम मुनियों की सेवा करते रहना, ठीक है? तुम ये नहीं सोचना कि विशुद्ध सार कौन से हैं, अनुत्तर सार कौन से हैं, तुमको तो दिगंबर मुनि दिख जाए। आहार देना, सेवा करना, स्वाद्य सुनना, अपने घर चले जाना, अंदर नहीं घुसना। संबंध दुख का कारण है, कहीं अंदर नहीं घुसना। मैं अपने गुरु जी के पास जाता हूँ ना, नमोस्तु, प्रणाम, आशीर्वाद, स्वाध्याय, प्रायश्चित, बाकी अपने कक्ष में, अपने गुरु के कमरे में ज़्यादा नहीं ठहरता। बोले क्यों? संबंध दुख का कारण है, ठीक है? देखो इतने महाराज जी हैं ना, ठीक है ना, हम अपने कमरे में अलग रहते हैं। बोले क्यों? संबंध दुख का कारण है। ओह, परंतु अब इनका संबंध कैसे रखता हूँ मालूम? तुम्हें कांटा लग जाए तो सुई लगाओगे कि नहीं लगाओगे निकालने के लिए? इसके बाद सुई को अलग करोगे कि नहीं? तो ऐसे ही ये मुनिराज हैं, इनका इतनी संबंध रखो, कांटा निकाल दो, सुई अपने स्थान पर, कांटा अपने स्थान पर, और पैर अलग। संबंध दुख का कारण है। बैठ जा बेटा। आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा।